अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर सर टीपू सुल्तान। अच्छा स्टूडेंट्स, आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा रिगार्डिंग एक खास सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, जिस पे हम अपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपको पता है 90% वेबसाइट जो हैं सॉफ्टवेयर की बेस पे, एक तो वर्डप्रेस पे जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है और एक दूसरा जो है एज wix.com जो है। तो अभी हम फिलहाल वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट का स्टार्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पहले ज़ैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज़ैम सर्वर ये आपको गूगल से डाउनलोड हो जाएगा इजीली। और सेकंड नंबर पे फिर इनकी वेबसाइट है www.wordpress.org, ये .org, यहाँ से हम इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो स्टूडेंट लेट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम इस पर आते हैं गूगल पे, मतलब ये google.com पे हम आ गए। तो यहाँ पर हम आते हैं ज़ैम सर्वर पे हम आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ज़ैम सर्वर की इंस्टॉलेशन की ऑप्शंस मौजूद हैं टू। तो यहाँ ज़ैम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड्स फॉर अपाची फ्रेंड्स, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब नेट की ज़रा स्पीड पे आए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जो सर्वर है वो कितनी देर में डाउनलोड होता है। जब तक आप स्टूडेंट ज़ैम सर्वर नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आपकी वेबसाइट जो है वो वर्क नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर आपका ज़ैम सर्वर का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डाउनलोड्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन दे रहा है 64 बिट। अब तो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 90% सिस्टम जो है वो 64 बिट पे आ गए हैं, 32 बिट्स वाले तो तकरीबन अब एंड ही है उनका। तो 64 बिट पे आप क्लिक कर लें। अच्छा स्टूडेंट, जब आप मेरे पास पहले से ज़ैम सर्वर डाउनलोड है तो अब मैं डबल डाउनलोडिंग तो नहीं कर सकता, तो वो मैं आपको रन करके दिखा दूंगा कैसे पॉसिबल है। तो आप डाउनलोड 64 बिट पे क्लिक करेंगे क्योंकि 90% पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में विंडोज़ की जो है वो यूज़ हो रही है। तो फिर 64 बिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इजीली आपका डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें अगर ये यहाँ से डाउनलोडिंग का कोई इशू आता है तो आप एक और ऐप गेट इन टू PC वेबसाइट, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर है वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ उसका। हम आते हैं यहाँ पर google.com पे और गेट इन टू PC में जाते हैं। अगर आपका ज़ैम सर्वर डाउनलोड ना हुआ किसी गूगल से सर्चिंग साइट से तो गेट इन टू PC में हम आएंगे। ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ ज़ैम सर्वर को डाउनलोड करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट इसके बाद हम आएंगे गेट इन टू PC में। यहाँ सर्च में आप कर दें ज़ैम सर्वर। तो ये हमने ज़ैम सर्वर की साइट ओपन कर ली है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम नीचे आते हैं तो ये आप देखें ये हमारे पास ज़ैम सर्वर 2020 आ रहा है। तो और ज़ैम सर्वर लेटेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल अभी ज़ैम सर्वर आप 2020 इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट हमारे पास पेज ओपन हो रहा है। तो इसमें ये जब ये उसकी थोड़ी सी उसकी डिटेल उसने एक्सप्लेन की हुई है ज़ैम सर्वर की डाउनलोडिंग के हवाले से। तो ये मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ जब मैं सबसे नीचे आता हूँ तो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट आ गया डाउनलोड 64 बिट, तो उसका पासवर्ड ये दे रहा है 123। तो फिलहाल मैंने भी ज़ैम सर्वर यहीं से डाउनलोड किया है क्योंकि इजीली हो जाता है, पासवर्ड भी है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास उसकी जो ऑप्शन है वो डाउनलोडिंग में चली जाएगी। और डाउनलोडिंग वाली ऑप्शन तो आप देख सकते हैं, आपने कहाँ से देखनी है, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपके पास डाउनलोडिंग की ऑप्शन जो है ना आ जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो रहा है अभी तो फिलहाल ये उसकी सेटिंग कर रहा था, तो ये देखें ये 147 MB की फाइल है और ये हमारे पास जो ज़ैम सर्वर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये अब नेट की स्पीड पे है आपकी कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है, तो ज़ैम सर्वर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जब आप ज़ैम सर्वर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, ये अभी डाउनलोडिंग चल रही है इसकी, चलें इसको देख लेंगे, इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट फिर हमने आना है वेबसाइट पे www.wordpress.org, हम इसमें चले जाते हैं। wordpress.org ये वेबसाइट है जहाँ से हमने वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो लेना है। तो ये पूरी इसकी वेबसाइट आ गई वर्डप्रेस की, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर आ जाएगा गेट वर्डप्रेस, तो गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7 वर्जन।
तो जो लेटेस्ट वर्डप्रेस है वो डे बाय डे मंथली बेसिस पे ये लोग ना अपलोड करते रहते हैं लेटेस्ट। अभी फिलहाल लेटेस्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने है स्टूडेंट्स, ये दो सॉफ्टवेयर हमारे डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है इसका जैम सर्वर का, तो और दूसरा जो है हमारे पास वर्डप्रेस का है। तो बेसिकली स्टूडेंट जैम सर्वर जो है जब तक हम ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारा ये वेबसाइट वाला जो सिस्टम है वो नहीं वर्क करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमने यहाँ से इसको इसको क्लोज करते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, एक आपका जैम सर्वर इंस्टॉल होना ज़रूरी है और दूसरा आपका वर्डप्रेस होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, फिलहाल मैं जब इंस्टॉलेशन आपकी हो जाएगी तो मैं अब सर्च में ना ये जैम सर्वर लिख रहा हूँ, ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इसको ये जो सर्वर होगा ना ये आपको वो सारा का सारा सर्वर जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी थोड़ी देर में जैम सर्वर की कि भाई ये रन कर गया फाइल, जब तक ये फाइल रन करती है तब तक इसको देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने ये करना है, अगला हमारा प्रोसीजर ये होगा कि जब हमारे पास जैम सर्वर और वर्डप्रेस दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे कि ये हो भी रहे हैं, मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। तो जैसे ये हमारे पास इंस्टॉल हो भी रहे हैं, जैम सर्वर भी हो रहा है और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो रहा है, जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो हमने अपने पीसी में जाना है और सी ड्राइव में जाना है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ जो सी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे के सारे सी ड्राइव में सेव होते हैं। तो अब हमने इसके बाद जब हम सी में जाएंगे, विंडोज़ और दूसरे सारे सॉफ्टवेयर सी में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जैम सर्वर का एक फोल्डर पड़ा होगा, तो मैं अब ये जैम सर्वर के फोल्डर में जा रहा हूँ। जैम सर्वर के फोल्डर में जाने के बाद आपने स्टूडेंट्स जाना है, एच डी डॉक्स का एक फोल्डर पड़ा होगा आपके पास, आपने उसमें चले जाना है। यहाँ आ जाता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जब आप आएंगे अगला, उससे अगला आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर राइट क्लिक करके एक आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने ना एक फोल्डर क्रिएट किया, फर्ज करें मैंने यूनिवर्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया इसका। तो मैंने ये फोल्डर जब क्रिएट कर दिया यूनिवर्स के नाम से, उसके बाद ये फोल्डर में मैंने जाना है और यहाँ पर मैंने जो वर्ड प्रेस है ना उसकी फाइल रखनी है, जब ये मेरे पास अभी इंस्टॉल हो रहा है वर्ड प्रेस, तो ये फाइल जब पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगी तो मैंने वो फाइल जो होगी ना वो मैंने इसमें रखनी है, वर्ड प्रेस की जो फाइल है जो जिप फाइल होगी वो मैंने इसमें रख देनी है। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट हमने जब वो फाइल हमने इसमें रख दी, तो ये मैं थोड़ा सा ना उसका प्रोसीजर है मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइल रखने के बाद स्टूडेंट्स अगला जो प्रोसीजर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक हो नहीं ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक। अच्छा स्टूडेंट, उतनी देर में मैंने आपको बताना था ये जो वर्ड प्रेस है ये जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने सर्च में जाना है। जैसे मैं ये सर्च में गया, मैंने यहाँ पर जैम सर्वर लिखा है, सॉरी जैम सर्वर की बात कर रहा हूँ, जैम सर्वर लिखा हो ये आपके पास आ गया। जैम सर्वर आपने क्या करना है, स्टार्ट कर देना। ये देखिए मैंने सारा स्टार्ट कर दिया, मतलब जब आपका जैम सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर आपके पास सर्च में आप जाएंगे तो जैम सर्वर आपने ये सारे ऑन कर देने हैं, मतलब अपाची है, माई एसक्यूएल है, फाइल्स है, ये सारी ऑप्शन आपने क्या कर दी, इसको एक्टिव कर दी। ये इंस्टॉलेशन के बाद है, जब आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा ये प्रोसीजर आपने इसके बाद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट, अब हमने अगला प्रोसीजर हमारा ये है कि हमने मजीद इसमें मैंने हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए एक वीडियो लेक्चर रखा हुआ है ताकि ना अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमने जब ये जैम सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया, तो जैम सर्वर और वर्ड प्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये मैंने जैसे आपको बताया था कि एच डी डॉक्स में जाना है, वहाँ पर हमने वर्ड प्रेस की जो फाइल होगी वो रख देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, तो वर्ड प्रेस की हमने फाइल रखनी है एच डी डॉक्स में। ये देखें, ये मैं पीछे आ रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने एच डी डॉक्स की फाइल, एच डी डॉक्स में वर्ड प्रेस की फाइल रखनी है, मतलब मैं एच डी डॉक्स में गया था और यूनिवर्स के फोल्डर में गया हूँ, यहाँ पे मैंने वर्ड प्रेस की फाइल रखनी है। तो फाइल भी मैं आपको रखनी बताता हूँ कि आपने फाइल किस तरीके से उसमें रखनी है। ये स्टूडेंट्स, ये जैसे मेरे पास वर्ड प्रेस की फाइल है ये डाउनलोड्स में आ जाएगी मेरे पास, मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
और मैंने इसको यूनिवर्स का एक फोल्डर बनाया था, उसमें मैंने पेस्ट कर देना है। ये मैं एचडी डॉक्स में गया, यूनिवर्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है और मैंने ये उसमें सेव कर दी। कंट्रोल वी पेस्ट की कमांड है, तो ये मेरे पास फाइल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जब ये आपके पास वर्ड प्रेस की फाइल आ जाएगी इसमें, तो नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने का मेथड आपको पता ही है, आप इस पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर के नाम से क्लिक कर दें, तो ये फाइल आपकी क्या हो गई है, आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट होने शुरू हो गई, जिप फाइल जो होगी आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि आपने क्या करना है कि वर्ड प्रेस के ये जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल, ये अभी आप देख रहे हैं फाइल हो रही है एक्सट्रैक्ट, तो इसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है फाइल एक्सट्रैक्ट होने में। तो जैसे ये फाइल एक्सट्रैक्ट होती है तो हमने ये, आप एक्सट्रैक्ट होने दें फाइल, अच्छा स्टूडेंट ये हमारी फाइल जो आई थिंक एक्सट्रैक्ट हो गई है, मैं चेक करता हूँ, ये हमारी फाइल स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट हो गई है। फिर हमने जाना है वर्ड प्रेस में, जैसे हम वर्ड प्रेस में जाएंगे हमने कंट्रोल ए करना है, सिलेक्ट ऑल की कमांड है, फिर कंट्रोल सी करना है, कॉपी की कमांड है, और फिर हम आ जाते हैं बाहर, और हमने कंट्रोल वी करना है जिसको हम पेस्ट की कमांड बोलते हैं। तो ये हमने फाइल यहाँ पे 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये मैं भी 3-4 बार हमने भी किया तो हमें भी इश्यूज आते रहे हैं, फिर उसके बाद हमें इसका सोल्यूशन पता चला है कि ये जो फाइल होती है इसने आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ना वर्डप्रेस का, इसी ने इसको रन करना होता है सॉफ्टवेयर को। तो ये फिलहाल हमारा डाटा कॉपी हो रहा है, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट फाइल है उसमें फाइल्स होती हैं, तो वो अब एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, अब ये कॉपी कर रहे हैं हम बाहर की तरफ। तो फोल्डर में हमने जाना है, मैंने अभी आपको प्रोसीजर दिखा दिया, और फोल्डर में जाके हमने कंट्रोल ए करना है सिलेक्ट ऑल, और कंट्रोल सी करना है कॉपी, और फिर हम बाहर आते हैं और कंट्रोल वी हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम इसको पेस्ट कर रहे हैं फाइल को फिलहाल, ये फाइल हमारी 83%, 84, 85% हो गई है कॉपी। तो ये जैसे कंप्लीट होती है फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स, अब ये फाइल हमारी प्रॉपर कॉपी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो जिप फाइल है ना वर्ड प्रेस की स्टूडेंट्स, ये आपने डिलीट कर देनी है, क्योंकि ये हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हुए हैं फाइल। तो ये जिप फाइल हमने क्या करनी है, इसको हमने डिलीट कर देना है, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमने जब ये हमारे पास हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो गया, और आपको मैंने बता दिया हुआ कि आपने जो जैम सर्वर है उसको इंस्टॉल करना है, यानी जैम सर्वर इंस्टॉल की मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है। पहले तो वो कॉपी होगा सी में, सी से फिर आप इसको रन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जैम सर्वर आपने ना, ये जैम सर्वर जब तक आपका स्टार्ट नहीं होगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देख लें आप, ये मैं आपको जैम सर्वर जो है, जब जैम सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, आपने ये सारे स्टार्ट कर देने। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले जैम सर्वर जाएगा डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स में, तो डाउनलोड से आपने जो है उसको रन करना है जैम सर्वर को। जैम सर्वर जब सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, पहले तो ये कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद फिर वो चला जाएगा डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स में, वहां से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल जब हो जाएगा तो फिर वो आ जाएगा सी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट से। जब वो सी में आप जाएंगे ना, यहाँ फोल्डर पड़ा होगा उसका, हमने फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में जाने के बाद हमारे पास एच डी डॉक्स में हमने जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एच डी डॉक्स में जाने के बाद हमने राइट क्लिक करके, आप किसी भी नाम से फाइल बना लें जो वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं। अब मैंने यूनिवर्स के नाम से वेबसाइट बनानी है तो मैं यूनिवर्स का फोल्डर बना रहा हूँ। उस फोल्डर के अंदर आपने वर्ड प्रेस रखना है, जो मैंने सारा प्रोसीजर बताया। अच्छा स्टूडेंट, जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद फिर आपने नया पेज एक ओपन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमन। ये मैं, ये ऊपर आप देख लें लिखा हुआ है लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमन। तो ये मैं आपको बड़े वर्ड्स में भी यहाँ पर पावर पॉइंट पर दिखा देता हूँ। मतलब मैंने गूगल ओपन किया और यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट पी एच लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश और पी एच पी माई एडमन।
ये आप कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों में ये अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर गूगल में। अच्छा स्टूडेंट, जब आप ये कर देंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो ये आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने टाइम सेविंग के लिए रखा हुआ है कि ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा हो तो वो स्टूडेंट्स को भी मुश्किल होती है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम लिख देंगे ना लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो ये हमारे पास ऐसा एक पेज के लिए आ जाएगा आपके सामने, ये मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को, यहाँ पर ऐसा एक पेज आ जाएगा। फिर आपने क्लिक करना है डेटाबेस पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डेटाबेस की, आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। अच्छा डेटाबेस फिलहाल मैंने एक फोल्डर बनाया था यूनिवर्स के नाम से, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डेटाबेस आपने क्रिएट, यहाँ पर आपने लिख देना है यूनिवर्स, ओके, या आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, जिस क्लाइंट की आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई बिजनेस उसकी वेबसाइट आप बना रहे हैं, यहाँ पर आप उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स क्रिएट पे, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो मुकम्मल है वो आपका ये यहाँ पे आप देखें, इसकी आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई। डेटाबेस स्टूडेंट्स हम बेसिकली कहते हैं जो बैक एंड पे कोडिंग होती है उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने अगला लिंक क्रिएट करना है लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश और नेक्स्ट क्रिएट हमने किया है इसको कोड यूनिवर्स फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैं ये नेक्स्ट आपने न्यू न्यू अपना ओपन किया पेज और यहाँ आपने लिख दिया लोकल होस्ट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्स। तो आपने जिस कंपनी की आप वेबसाइट बना रहे हैं उनका आपने ना ये लिखना है, जैसे मैं यूनिवर्स के नाम से एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं उनका लिख रहा हूँ, उसके बाद मैंने किया फॉरवर्ड स्लैश और आपने देन एंटर प्रेस कर देना है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना आपके पास स्क्रीन आ जाएगी इस टाइप की, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, ये आपके पास नेक्स्ट की ऐसी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो अब आप अपना वर्ड प्रेस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी ना जल्दी में मिस्टेक करते हैं, तो ये ज़रा आप काइंडली बड़े व्यू बड़े गौर से देख लें। सबसे पहले आपकी ना डेटाबेस नेम आ जाएगी, डेटाबेस नेम आपकी आ जाएगी यूनिवर्स जिसके ऊपर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, यूज़र नेम आपने लिखना रूट, ये आपने सेम एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड अभी आप मत दें, और उसके बाद नेक्स्ट आप लोकल होस्ट का वर्ड एज इट इज़ ही रहने दें, और उसके बाद आप किस पे क्लिक कर दें, सबमिट पे, ये मैं लिखा हुआ है सबमिट, ये सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबमिट पे स्टूडेंट्स क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगी रन एंड इंस्टॉल की, तो आपने क्या करना है, रन एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। बेसिकली ये एक बार की सेटिंग है सारी, उसके बाद डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद साइट का नेम आ जाएगा, आपने यूनिवर्स जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ था वो नाम लिख दिया, और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, यूजर नेम हमने एडमिन दे दिया, पासवर्ड भी एडमिन दे दिया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर अगर वो आपसे कहे ना कि एडमिन बड़ा वीक पासवर्ड है तो नो प्रॉब्लम, आप अभी एडमिन पासवर्ड रख दें उसका, ताकि आपको पासवर्ड अक्सर होता है वो भूल भी जाता है, तो एडमिन ऐसा वर्ड है जो नहीं भूलता पासवर्ड, तो यूजर नेम ही एडमिन कर दें और पासवर्ड भी आपने एडमिन कर देना है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना ई मेल आई डी भी लाजमी देना पड़ेगा, ई मेल एड्रेस जो है वो भी आपको लाजमी देना पड़ेगा, वो आप देंगे तो आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कहते हैं सर हमारा आईडी नहीं है, तो वो किसी और का आईडी लगाते हैं, ये चीज़ रॉन्ग है, आपने अपना आईडी देना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। इसको आपने चेक कर दिया मतलब ओके कर दिया, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल वर्ड पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वो अगला लिंक कर रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपने देना है एडमिन, और पासवर्ड भी आपने क्या दिया, एडमिन दिया, तो उसको आपने चेक कर दिया। उसके बाद आप इसको क्या कर दें स्टूडेंट्स, लॉगिन पे क्लिक कर दें, तो ये हमने लॉगिन पे क्लिक किया जैसे ही, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, इसका डैशबोर्ड आ गया। अच्छा स्टूडेंट जो डैशबोर्ड होता है ना, ये कोई भी वेबसाइट है उसका बैक एंड होता है, जो आप फ्रंट एंड देख रहे होते हैं वेबसाइट उसके बैक एंड पे जो काम हो रहा है वो उसका डैशबोर्ड होता है। तो एक लेक्चर हम मैं और रखूंगा, उसमें मुकम्मल वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होगी उस पर क्रिएट करके आपको दिखाएंगे कि आपने मुकम्मल वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ना आपके पास लोकल होस्ट यूनिवर्स ऑब्लिक WP-admin फिर फॉरवर्ड स्लैश, इसकी आप पिक ले लें, इसकी पिक ले लें, जब भी आपने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पर अपना ये लिंक लिखेंगे, उसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड पे ले आएगा। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, ये हम अपना लेक्चर मुकम्मल करते हैं। तो मैंने वर्ड प्रेस की जो आपकी वेबसाइट है वो मैंने बड़े आसान तरीके से ना आपको ना ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है वेबसाइट आपकी।
तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये यहाँ से ना इसको एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन होगा आपका प्रॉपर आपको वहाँ से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो हमने प्रॉपर स्टार्ट कर दी। थैंक यू वेरी मच।